हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद जितेन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड के प्रयोग का अध्ययन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन दबाकर भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग। नियम नंबर एक, मे का प्रयोग टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति देने या लेने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमारा नियम कहता है मे का प्रयोग टू टेक परमिशन और गिव परमिशन, अनुमति देना या लेना, ये भाव व्यक्त किया जाए तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ। मे आई यूज योर मोबाइल, मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मे है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, परमिशन लेने के लिए। हम उससे परमिशन ले रहे हैं कि मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। नियम नंबर दो, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, संभावना या अनिश्चितता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी हो, संभावना हो या फिर अनिश्चितता हो, ऐसी जगह हम क्या करेंगे, मे का प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पर मे का प्रयोग क्या भाव व्यक्त कर रहा है, पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त कर रहा है। नियम नंबर तीन, मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में होता है। दोस्तों, जैसा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम मे के प्रयोग से क्या कौन कौन से भाव व्यक्त करते हैं, इच्छा का, प्रार्थना का, आशीर्वाद का और अभिशाप का, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग से इन्हीं भाव को व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, मे यू हैव ए हैप्पी एंड लाइफ, यहाँ हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आपका जीवन प्रसन्नचित या खुशहाल तथा लंबा हो, ये हमारी इच्छा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम यहाँ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और इसके बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय आदिबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है। नियम नंबर चार, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबॉर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आदि से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पज, उद्देश्य का बोध हो, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। दोस्तों, नियम नंबर चार हमारा कहता है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबॉर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आदि, इन तीनों में से किसी एक से प्रारंभ हो तो तथा इससे पर्पज, उद्देश्य का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, बी ईट, हम खाते हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, बी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जिंदा रह सकें, तो यहाँ पर क्या है, दैट का प्रयोग कर सकते या फिर सो दैट या इन ऑर्डर दैट, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में इन्स का प्रयोग किया गया है, इस सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं, यही हमारा नियम भी कहता है, मे का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर पांच, मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी, सरप्राइज, अनिश्चितता या आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग जहां अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो या सरप्राइज, आश्चर्य हो, ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। हाउ ओल्ड सी मे बी, वो कितनी वृद्ध है, हम यहाँ सरप्राइज, आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, मे का प्रयोग कर रहे हैं।
हाउ ओल्ड सी मे बी, वो कितनी वृद्ध हो सकती है, क्या कितनी वृद्ध है। तो यहाँ हम आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।